OVM सीनियर सेकेंडरी स्कूल सीबी मार्केट के पीछे बाईपास रोड फिरोजाबाद। शांत सुरम्य वातावरण, शहर के बीच भव्य विद्यालय का भवन, साफ स्वच्छ हवादार एवं सुंदर फर्नीचर से युक्त कक्षाएं, सुसज्जित प्लेवे, आंतरिक एवं बाहरी खेलों की व्यवस्था, स्वच्छ पीने योग्य जल की व्यवस्था, योग्य एवं अनुभवी अध्यापक एवं अध्यापिकाएं, विशाल खेल परिसर, कमजोर विद्यार्थियों के लिए अतिरिक्त अध्यापन की व्यवस्था, संस्कार एवं विभिन्न प्रतियोगिताओं द्वारा समय समय पर विद्यार्थियों की कौशल क्षमता का विकास, आधुनिक शिक्षा प्रणाली के माध्यम से अध्यापन कार्य, कक्षाओं में विद्यार्थियों की सीमित संख्या, व्यावहारिक शिक्षण हेतु समय समय पर विद्यार्थियों को भ्रमण हेतु लेके जाना, कम खर्च व कम फीस में अच्छी शिक्षा व्यवस्था, बच्चों को लेने और छोड़ने हेतु उचित वाहन व्यवस्था। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कोमल गुप्ता, वॉइस टीवी यूपी पर आपका स्वागत है। भाजपा ने मनाया 42वां स्थापना दिवस। इस अवसर पर बुजुर्ग कार्यकर्ताओं का चरण धोकर किया सम्मान, बड़ी स्क्रीन लगाकर प्रधानमंत्री मोदी का भाषण सुना गया। फिरोजाबाद में आज भाजपा का स्थापना दिवस पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं को मंडल, जिला, क्षेत्र स्तर पर स्थापना दिवस मनाया जा रहा है। आज सुबह लेबर कॉलोनी में पंडित श्यामा प्रसाद मुखर्जी पार्क पर कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें सभी पार्टी पदाधिकारी एकत्रित हुए और ध्वजारोहण कार्यक्रम किया गया और शोभा यात्रा भी निकाली गई। उसके बाद जो भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ कार्यकर्ता थे, उनके छोटे कार्यकर्ताओं द्वारा पैर धोकर उनका सम्मान भी किया गया। वहीं पार्क पर एक बड़ी एलईडी की व्यवस्था की, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लाइव संबोधन को सभी ने देखा। वहीं महानगर में 9 मंडल हैं, इनमें सभी पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। यही प्रक्रिया प्रत्येक मंडल पर की गई। अध्यक्ष देगी, चालू है वो। अरे आशीर्वाद देशवासियों पर, भारत दुनिया के सामने एक ऐसे आज करके जो दिए गए लक्ष्य होंगे उनको हम पूरा करेंगे। और अंत में मैं सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के स्थापना दिवस के पूरा किया। इस तरीके का कार्यक्रम रखा गया। आज भारतीय जनता पार्टी का 42वां स्थापना दिवस है। उस उपलक्ष्य में यहाँ श्यामा प्रसाद मुखर्जी पार्क में डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की मूर्ति पर माल्यार्पण का कार्यक्रम रखा गया है। भारतीय जनता पार्टी के झंडा का ध्वजारोहण किया गया है और एक 20 मिनट की या लेबर कॉलोनी में शोभा यात्रा निकाली गई। उसके बाद हम सब ने माननीय प्रधानमंत्री का जो लाइव संबोधन मिला, तो हम सभी भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं ने बैठ करके सुना। आज के बाद 6 अप्रैल से 14 अप्रैल तक एक सेवा के कार्य होंगे। प्रत्येक दिन एक नया कोई न कोई सेवा का कार्य किया जाएगा और ये कार्यक्रम आज प्रत्येक मंडल स्तर पर मनाया गया है, प्रत्येक बूथ स्तर पर मनाया गया है। अजी सुनते हो, बच्चों के एडमिशन शुरू हो चुके हैं, कुछ सोचा है बच्चों के बारे में? बिल्कुल सोचा है जी, मुझे भी बच्चों की चिंता है, लेकिन समझ में नहीं आ रहा कौन से स्कूल में बच्चों का एडमिशन कराया जाए। आप ज्यादा ना सोचिए, मैं कहती हूँ बच्चों का भविष्य बनाना है तो बच्चों का एडमिशन सिर्फ किड्स कॉर्नर स्कूल में ही कराइए, क्योंकि किड्स कॉर्नर स्कूल में ही मेरे बच्चे बेहतर शिक्षा पा सकेंगे। Extraordinarily, but we teach ordinary things extraordinarily well.
राज, कहाँ चले इतनी सुबह सुबह तैयार शैयार होकर? अब अच्छे स्कूल ढूंढना है मुझे अपने बेटे जतिन के एडमिशन के लिए, तो घर से जल्दी तो निकलना ही पड़ेगा। तुम तो जानते हो कई चक्कर लगाने के बाद जाकर कोई अच्छा स्कूल हाथ लगता है। तुम बेकार ही इतनी भागा दौड़ी कर रहे हो राज, अपने शहर में इतना बेहतरीन स्कूल है तो सही, लिटिल इंटरनेशनल स्कूल। ऐसा क्या खास है इस स्कूल में? अरे भाई, अपने फिरोजाबाद शहर का सबसे अच्छा स्पोर्ट्स डे फंक्शन इन्होंने ही तो ऑर्गेनाइज करवाया था, और साथ ही इनकी न्यू विंग भी ओपन हो गई है, और कुछ टाइम में इनका न्यू प्लेग्राउंड भी ओपन होने जा रहा है। और तो और, ये प्रतिष्ठित हैं अपनी स्मार्ट क्लासेस, एक्सीलेंट टीचिंग स्टाफ, बेहतरीन सिक्योरिटी, बेटर टीचिंग मेथड्स और ट्रांसपोर्टेशन के लिए। अब जब लिटिल इंटरनेशनल स्कूल है तो किसी और स्कूल में एडमिशन क्यों लेना? थैंक्स आयुष, मैं आज ही जाकर इनसे एडमिशन के लिए बात करता हूँ। हाँ बिल्कुल, आज ही विजिट करो लिटिल इंटरनेशनल स्कूल, अपोजिट एमजी गर्ल्स इंटर कॉलेज, देवनगर रोड, फिरोजाबाद, या इन्हें कॉल करो 7417341131 पर, या व्हाट्सएप करो 9